बच्चों, आज मैं आप लोग को मटेरियल नाउन के विषय में बताऊंगा, ठीक है। तो मटेरियल नाउन का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस का मतलब वह नाउन जिसे नापा या तौला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता हो और जिससे कोई वस्तु बनाई जाती हो मटेरियल नाउन कहलाता है, ठीक है। अब हम मटेरियल नाउन का परिभाषा आपको लिख रहे हैं। ए मटेरियल Noun is name of a material or substance इसको हिंदी में लिखेंगे। वह नाउन जिसे नापा या तौला जाता हो, मापा या तौला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता हो है ना। वह नाउन जिसे मापा या तौला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता हो, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन ठीक है बेटा। इसको हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम लोग नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं और जिससे कोई वस्तु बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए दूध, दूध को आप गिनते हैं नहीं, बोलिए जोर से नहीं। लेकिन उसको माप या तौल सकते हैं। तेल, गेहूं, आप गेहूं लेते हैं तो गिन के लेते हैं, मापा या तौला जाता है, तौला जाता है लेकिन उसको गिना नहीं जाता है। और देखिए गेहूं से कोई नया चीज़ बनता है, आटा बनता है, रोटी बनता है नहीं, गेहूं का और भी जो है मोटा दर्रा पिसा के उसका दर्रा बन सकता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उससे बनाई जा सकती है। उसी तरह से आप आ जाइए सोना, सोना जो है नापा या तौला जाता है लेकिन गिना जाता है नहीं। यही ध्यान रखिएगा, सोना जो है, गोल्ड जो है, क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन गोल्ड से बना हुआ अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि अंगूठी है तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, पायल है तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, गला हार है, नेकलेस, तो हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन गोल्ड क्या होगा बोलो बेटा, मटेरियल नाउन। उसी तरह से आपको सिल्वर, सिल्वर मटेरियल नाउन है लेकिन सिल्वर से बना हुआ अंगूठी हो जाए, चाहे पायल हो जाए, जो भी हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। अब लकड़ी है, आप लकड़ी लेते हैं, लकड़ी कोई भी लेता है तो कोई गिन के लकड़ी लेता है, हम ही लकड़ी लावेंगे मान लीजिए कहीं से, चाहे जलावन के लिए लाएं या चौकी बनाने के लिए लाएं, फर्नीचर बनाने के लिए लाएं, तो गिन के लावेंगे
नहीं, नाप के लेंगे तो वो हो जाएगा आपको मटेरियल नाउन। लेकिन लकड़ी से बना हुआ कुर्सी ये हो जाएगा कॉमन नाउन। लकड़ी का बना हुआ चौकी वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है बेटा, तो इसका एग्जांपल में हम क्या क्या लिख सकते हैं आप ही बताइए। नहीं, चेयर तो कॉमन नाउन है, यही तो आपको समझा रहे थे कि लकड़ी मतलब लकड़ी जो है ये है मटेरियल नाउन, लेकिन लकड़ी का बना हुआ पदार्थ जो चेयर है वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन आपको हम पहले ही पढ़ा दिए थे, आज हम आपको मटेरियल नाउन पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। लॉग होगा, लॉग मतलब लकड़ी का बड़ा सा ठोस पदार्थ, लॉग। आओ बताइए, ऐसा चीज बताइए जिसको नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। मिल्क, वेरी गुड। आओ बोलिए, वाटर। क्या लिप्स मतलब पत्ता, पत्ता नहीं गिना जाता है, तब एप्पल भी नहीं होगा। नापा या तौला भी जाता है, गिना भी जाता है, आपको भीट होगा, गेहूं होगा, क्योंकि उसे नापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है ना। पैडी हो जाएगा धान। आओ बताओ बाबू, घी। नहीं, घी को आप गिनते हैं लेकिन नापते हैं कि नहीं, तौलते हैं कि नहीं। ऑयल हो जाएगा, देखिए ऑयल है चाहे घी है, इसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। और बहुत सारा चीज़ बन सकता है, घी का कितना चीज़ बनता है। नहीं, घी में आप जो है पूड़ी छानते हैं, घी में बहुत तरह के पकवान बनाते हैं। नहीं, और बता सकते हैं आप, आए पेपर, पेपर मटेरियल नाउन हो सकता है। ठीक है, आप नाप या तो अब जनरली अगर हम बेच रहे हैं तो कोई गिन के नहीं लेगा पेपर एक गो है कि दो गो है, वो सीधे क्या करेगा तौलेगा, एक किलो है, दो किलो है, दस किलो है। ठीक है, तो यह हो गया आपको मटेरियल नाउन। ठीक है, तो एक इसी कर दीजिए।